अजय देवगन को हुई ये बीमारी, कॉफी का कप उठाने में भी दिक्कत। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों टोटल धमाल की शूटिंग में व्यस्त हैं। लेकिन इस बीच लगातार टाइट शेड्यूल की वजह से अजय देवगन को तेज दर्द की शिकायत हो गई है। स्पॉट बाय की रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन को टेनिस एल्बो की शिकायत है। इसके इलाज के लिए उन्हें जर्मनी भी जाना पड़ सकता है। अजय को जर्मनी में इलाज कराने की सलाह उनके को स्टार अनिल कपूर ने दी है। कुछ दिनों पहले वे इस समस्या से गुजर चुके हैं। टेनिस एल्बो की वजह से अजय को इतनी तकलीफ है कि वो हाथ से कॉफी कप भी नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में शूटिंग करना भी मुश्किल होगा। टेनिस एल्बो को लैटरल एपिकंडिलाइटिस भी कहते हैं। इस समस्या से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी परेशान रह चुके हैं। इस समस्या के दौरान कोहनी में तेज दर्द होता है। कोहनी की हड्डी व मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने के कारण टेनिस एल्बो की समस्या होती है। आमतौर पर खिलाड़ियों और युवाओं में शारीरिक गतिविधि के दौरान कलाई और उंगलियों के मूवमेंट से मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कोहनी में सूजन आ जाती है। इस बीमारी को टेनिस एल्बो के नाम से जाना जाता है। बता दें, टोटल धमाल फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर 18 साल बाद लौट रही है। दोनों इंद्र कुमार की फिल्म टोटल धमाल में नजर आएंगे। दोनों ने इस एडवेंचर कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शनिवार को मुंबई में शुरू कर दी है।